स्वागत है आपका हमारे एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस में। टेक्निकल रीजंस की वजह से काफ़ी दिन से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं और COVID-19 जैसा कि अब अपना भयंकर रूप लेता ही जा रहा है, तो अभी ऑफलाइन क्लासेस तो अभी शायद अगस्त तक ना हो पाए। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अभी भी शुरू कर देते हैं, तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट करें पढ़ना हमारे साथ। टाइम एंड वर्क की क्लासेस हमने शुरू की थी, उनके वीडियोज़ भी आते रहेंगे। आज हम शुरू करते हैं एक दूसरा टॉपिक। आज मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ मैथ्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी टिपिकल टॉपिक है लोगों के लिए, चक्रवर्ती ब्याज। देखो, परसेंटेज जो हमारा बेसिक टॉपिक होता है, परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है, इस परसेंटेज की चार एप्लीकेशंस हैं। इसके अनुप्रयोग हम कह सकते हैं परसेंटेज के चार एप्लीकेशंस हैं, यानी कि चार ऐसे टॉपिक हैं जो परसेंटेज पर डायरेक्टली बेस्ड हैं। वैसे तो आप पूरी मैथ्स का कोई भी टॉपिक में परसेंटेज का आप देख सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे प्रतिशत से जो बन रहे हैं वो हमारा टॉपिक है लाभानी, एक टॉपिक है बट्टा, एक हमारा बना सरल ब्याज और एक हमारा बना चक्रवर्ती ब्याज। ये बेसिकली परसेंटेज के ही भाग हैं, परसेंटेज के ही पार्ट लगा दो आप। तो थोड़ा सा जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें जानकारी लेनी होगी परसेंटेज के बारे में, और हम शुरू करते हैं चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ना परसेंटेज के साथ साथ, ठीक है। देखिए, कोई भी एक मैं बेसिक आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हमारे पास एक शब्द है क्रमागत। क्रमागत मतलब कि लगातार, यानी कि जैसे कि कोई भी वस्तु है हमारे पास, मैं ब्याज की तरफ जाऊंगा धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक चीज क्या है चक्रवर्ती ब्याज के पीछे। जैसे कि कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपये, और हमने कहा कि एक वर्ष बाद ये वस्तु का मूल्य 8% बढ़ गया, वस्तु का मूल्य 8% बढ़ गया। तो भाई जो 8% बढ़ा वो कितने पर बढ़ा, 100 रुपये पर, और 100 का 8% कितना होता है 8, तो बढ़कर कितना हो गया 108, कितना हो गया भाई 108। हमने कहा कि दूसरे वर्ष भी मूल्य 8% बढ़ गया। तो अब ये जो 8% बढ़ा वो किस पर बढ़ा, 108 पर, किस पर बढ़ा भाई 108 पर, ठीक है। यानी कि क्रमागत क्या हो रही है, वृद्धि, लगातार क्या हो रही है, वृद्धि। 100 से बढ़कर मूल्य कितना हुआ 108, और 108 से अब बढ़ेगा 8%। देखिए, अगर ये सिर्फ वृद्धि होती तो आप कहते भाई एक वर्ष में 8 बढ़ता है तो 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा 16, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 116। लेकिन ये सिर्फ वृद्धि नहीं है, ये क्रमागत वृद्धि है, यानी कि 100 से बढ़कर 108 हुआ है, और अब ये जो 8% बढ़ रहा है ये कितने पर बढ़ रहा है 108 पर। तो बेसिक चीज यही है कि वृद्धि पर वृद्धि पर वृद्धि ऐड होती जाएगी, वही हमारा क्या है चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या होने वाला है, कोई ऐसा हो जो बिल्कुल पहली बार ही उनसे मिल रहा हो कि भाई कि कैसे होगा, देखो इसमें बेसिकली हमको ये शब्द मिलने वाले हैं, मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, ब्याज, ब्याज में 2 कैटेगरी, सरल और चक्रवर्ती। अभी हम चक्रवर्ती पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, वह पैसा, वह धन जो हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं, यानी कि बेसिक जो हमारा अमाउंट है, बेसिक जो राशि है, यानी कि जो पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ब्याज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, मान के चलो आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए और आपने उससे पैसे वापस मांगे, तो उसने कहा भाई पैसे दे देंगे, हम कौन से भागे जा रहे हैं, तो आपको लगा रहे तो पैसे दे ही नहीं रहे, तो आपने कहा कि चल ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम कितने दिन बाद पैसे वापस दो, कितने दिन बाद ही देना, लेकिन तुम जितने दिन बाद पैसे वापस दोगे उस हिसाब से मैं तुमसे पैसे लूंगा मेरे 10,000 के अलावा। यानी कि अगर तुमने 5 साल बाद पैसे दिए तो मैं 10,000 थोड़ा लूंगा, मैं तुमसे 13,000 रुपये लूंगा। तो ये जो 3,000 रुपये जो तो अतिरिक्त पैसे लिए हैं
ये जो अतिरिक्त पैसे लिए वो आपका क्या है? ब्याज है। वो आपका क्या है? ब्याज है। और 10,000 आपका क्या बना? मूलधन, वह धन जो आपने उधार दिया था। और जो अतिरिक्त पैसा आया वो क्या है? ब्याज आया। अब ये ब्याज की गणना हम दो तरह से करते हैं, ब्याज की गणना दो तरह से करते हैं। एक सरल ब्याज, यानी कि जब उसकी गणना हमेशा किस पर की जाए? मूलधन पर, ठीक है। और जो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया लगातार वृद्धि होती है, यानी कि जो हमने पहले साल ब्याज लिया अब अगले साल उस पर भी क्या देना पड़ेगा? ब्याज। यानी कि पहले साल का ब्याज और मूलधन अब मिलाकर किसका काम करेंगे? मूल का। यानी कि ब्याज भी मूल में जुड़ता जाएगा और उस पर क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो ये हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मिश्रधन आप जानते हैं ये बहुत काम आएगा हमारे। अगर मूल पैसे में आपने क्या जोड़ दिया? ब्याज। अमाउंट बोलेंगे इसे। प्रिंसिपल में अगर आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? मिश्रधन। यानी कि जो वो 13,000 वापस कर रहा था ना, जैसे वो सवाल होंगे कि अंत में कितना धन वापस करना होगा, यानी कि उसमें क्या है? मूल भी है और ब्याज भी है। यानी बेसिकली क्या पूछ रहा है वो वहां पर? मिश्रधन की बात पूछ रहा है। समय यानी कितने वर्ष बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा बेसिक समय यहाँ पर हमेशा वर्ष में होगा और हम कई बार उसे चेंज करेंगे अगर वो मंथ में हो तो, और सवालों को टिपिकल बनाएंगे डिफरेंट टाइप के कि 1.5 साल हैं, 2 साल इतने दिन हैं, वो अलग अलग वैराइटीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे इस क्वेश्चन की। और दर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो परसेंटेज का काम है वो दर है, क्योंकि दर किसमें मिलेगी आपको? परसेंटेज मिलेगी। इसलिए तो कहा मैंने कि ब्याज भी किसका भाग है? परसेंटेज का भाग है। भाई देखो दर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दर का मतलब क्या हुआ? दर परसेंट का मतलब कि यार 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज, ये आपका क्या है? दर है। यानी कि इफ आई कॉल कि मैंने अगर कहा कि 8% है या 7% है, 7% ब्याज की दर है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार 100 रुपये अगर आपने उधार दिए हैं ना तो एक साल में कितना ब्याज मिला है? 7 रुपये। 100 रुपये अगर मैंने उधार दे दिए तो एक साल में ब्याज मिला 7 रुपये। तो यानी कि अब हम जानते हैं परसेंटेज को अगर आप हटाते हैं तो बटे में कितना लिख सकते हैं हम? 100। ऊपर वाला किसका काम करेगा? ब्याज का। नीचे वाला किसका काम करेगा? मूलधन का। यानी कि 100 मूलधन पर कितना ब्याज? 7 ब्याज। 100 मूलधन पर कितना ब्याज? 7 ब्याज। और कितने वर्ष का? एक वर्ष का। 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष का ब्याज हमारा क्या होगी? दर परसेंटेज होगी। अभी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के तरीके बहुत सारे हैं और ज्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरीका पढ़ते हैं, दो तरीका पढ़ते हैं, तीन तरीका पढ़ते हैं। देखो मेरा मानना तो यह कि तरीके तो आपको सारे आने चाहिए, क्योंकि क्या है कि हर तरीके की अपनी लिमिटेशंस है। किसी तरीके से कोई क्वेश्चन ज्यादा बड़ा बन जाएगा, वही क्वेश्चन दूसरे वे से थोड़ा छोटा बन जाएगा। टाइम की अगर आपको बचत करनी है तो आपको लॉजिक सारे सीखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर सारे लॉजिक से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने और बताता हूँ आपको कि कौन से वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच अपनी होने चाहिए क्वेश्चन के। देखो बेसिकली तो क्या है, दर का परसेंटेज देखते ही आप समझ जाओगे कि यार इसको इस अप्रोच से करना आसान रहेगा, क्योंकि हमको कम से कम समय, कम से कम उसमें कैलकुलेशन यूज करनी है, ठीक है भाई। तो मैं एक पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, तो लिखता हूँ वैसा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बहुत इजी कैलकुलेशन पे लिखता हूँ जिससे कि सब कुछ गुणा भाग तुरंत से हो जाए। मैंने लिखा 20,000 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये एक बिल्कुल बेसिक सवाल है, एग्जाम्स भी नहीं पूछते आजकल तो, लेकिन हमको ब्याज की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पहला सवाल करना पड़ता है कि यार 2 साल पर अपन क्या निकालना सीख जाए, ब्याज निकाल सकते हैं। ये अश्विन लिखेगा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस प्रकार की इसकी लैंग्वेज रहेगी। अब एक तो इसका फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में हमने पढ़ा है कि यार चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। हम लिखते हैं मूलधन 1+ दर बटा 100 उसकी पावर समय। ये तो मिश्रधन का फॉर्मूला है, अंत में क्या कर देते हैं? मूलधन। और इस फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है,
वैरायटीज इतनी आने वाली है क्वेश्चंस की कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में कि ये फॉर्मूले से पूरा चैप्टर सोल्व ही नहीं होता। इसमें ये क्वेश्चन तो कर दूंगा कि भाई दो साल का ब्याज ज्ञात कीजिए, तीन साल का ब्याज ज्ञात कीजिए, लेकिन नंबर ऑफ वैरायटीज क्वेश्चंस हैं, जब आप बुक उठाकर सोल्व करते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपसे ये फिर आगे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लेंथी कर देगा क्वेश्चंस को। तो हमको ये, अब मैं इस पे लिख दूं मूलधन की जगह कितना लिख दूं 20,000, ये लिख देता हूं आपके सामने, ये 108 बटे 100 माइनस 20,000। या पता है 4 जीरो कट जाएंगे, मैंने संख्या जानबूझ के इसलिए 20,000 बोले कि 4 जीरो आने वाली है। 108 आप जानते हो 116 64 होते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, 64 दूनी 128, सिर के लिख दूं 128 में से 28 एक हासिल, 116 दूनी 332 एक हासिल, 333 तो मेरे भाई 20,000 इसमें से क्या होने वाला है, घटने वाला है 33,000 में से, कितना बच जाएगा ये 13,328 ये बच जाएगा भाई, नहीं 116 एक मिनट, वो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट, थोड़ा सा 64 दुनिया 28 एक आएगा ना सर, 116 दुनिया 232 जाएगा, 33-28 आंसर आएगा और 20,000 हमने मैंने 300 लिया, यहाँ पर 2 की जगह 3 लिया, तो ये हमारा क्या जाएगा 33-28। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे करने में प्रॉब्लम ये, अगर आपने सिर्फ यही सीख के छोड़ दिया ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये हो नहीं रहा है, क्योंकि यार क्वेश्चन वैराइटीज इतनी सारी है, दो साल का इतना ब्याज है, दो साल का सारा ब्याज ये है, अंतर का सवाल ये बन रहा है, दूसरे साल का ब्याज इतना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक में बाप ने पैसे जमा करवा दिए बेटे के नाम, दो बेटों के नाम, और अलग अलग उनका एज है, इतने साल में कितना पैसा मिलेगा, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसके लिए आप, ये तो हमारा बेसिक मेथड है, आप जानते हैं, मुड़ा भाग कर सकते हैं, आ जाता है, हम और बात समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, जब 2 वर्ष की बात हो ना तो एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 साल की बात हो और वो परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं फिर पहले परसेंटेज में आपको एक बार ले आता हूँ। देखो परसेंटेज में ये एक एप्लीकेशन है कि ए गुणा बी बराबर सी, समझना, मैं परसेंटेज की तरफ ले जा रहा हूँ, एक बार थोड़ी देर के लिए ब्याज को बोलता हूँ, आपको बेसिक चीज़ें अगर समझ में आ गई ना तो आपको क्या है, मैथ्स में अगर आपने वैसे पढ़ा ना क्या, ये सवाल ये टॉप ये टाइप इसको ऐसे कर लिया तो आपके पास बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, फिर आपसे वो इकट्ठा नहीं होना टॉपिक, और आपको 4 या 5 बेसिक बात समझ में आ गई तो फिर आप उनसे खेल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये एक परसेंटेज का भाग है, ये कैसा है समझाता हूँ, 2 चीज़ों का गुणनफल ये बराबर है तीसरी चीज के, 2 चीज़ों का गुणनफल ये बराबर आ रहा है तीसरी चीज के, कैसे आ रहा है समझो आप इस बात को, इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं लिखा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, क्वेश्चन आते हैं एक आयत के लंबाई में 20% वृद्धि कर देने पर, चौड़ाई में 30% कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई इसमें वृद्धि या कमी करी, इसमें वृद्धि कमी करी, और ये दोनों का गुणा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं यही तो लिख रहा हूँ कि इन दोनों का गुणा इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ए गुणा बी बराबर सी। ठीक है भाई, तो आप जब इसको करते हैं तो हम एक फॉर्मूला देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो भाई ये बात ये बनी कि पहली बार वृद्धि या कमी, दूसरी बार वृद्धि या कमी, पहली बार वृद्धि या कमी, दूसरी बार वृद्धि या कमी, उसी का टोटल इम्पैक्ट है भाई साहब, मैं ये तो लिख रहा हूँ यहाँ मूलधन गुणा 108 बटे 100, ये तो पहली बार, और फिर 2 साल में ये लिख दिया मैंने दूसरी बार, लिख रहा हूँ ना 2 बार ये, यहाँ दोनों बार वृद्धि आई है, तो इसी को हम सोल्व कर देते परसेंटेज में, कैसे कर देते आपके ध्यान हो तो एक फॉर्मूला हम पढ़ देते कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100, यानी कि जब भी क्रमागत 2 बार वृद्धि या कमी होती हो लगातार तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि किसी संख्या में 6% की वृद्धि कर दी तथा फिर से 6% की वृद्धि कर दी तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 12.36, ये पढ़ते हैं क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा, तो लगातार 2 बार वृद्धि हो या कमी हो तो हम इसमें कैसे पढ़ते थे कि भाई वृद्धि हो तो हम प्लस के साइन रखते हैं और कमी हो तो माइनस के साइन रखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भाई 8%, तो यहाँ एक्स का मान में कितना है 8,
वाई का मान में कितना है 8, और ये हो जाएगा 8 गुणा में 8 बटे में 100। तो ये 8 8 16 प्लस में 8 8 64 यानी कि 0.64 हो जाएगा 16.64। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं ब्याज में, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो दो बार वही हो रही है वृद्धि, ये तो बात कह रहा है, दो बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक बार लिख देता हूं यहां पर दर, यहां मैं लिख देता हूं दर, और यहां मैं लिख रहा हूं कि भाई हम जो ये मान रहे हैं ना वो कितने रुपए मान रहे हैं, 100 रुपए मान रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज मान के चल रहा है बेसिकली, वो गेम तो परसेंटेज का था, वो परसेंटेज में मूलधन कितना है 100 है, ये जो मैंने लिखा है सारा कॉन्सेप्ट परसेंटेज पर बेस्ड है, तो परसेंटेज में हमने क्या माना है 100 माना है मूलधन, तो 100 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज, ये हम लिख रहे हैं 100 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, भाई दर दे दी भाई साहब ने 1%, कितनी दे दी 1, मैंने 1 से शुरुआत की, अभी मैंने बताया कि क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100, आप x की जगह 1 लिखोगे, y की जगह 1 लिखोगे, प्लस प्लस 1 गुणा 1 बटे में 100, एक और एक कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.01। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2.01, आपको करना क्या है कि 1 को 1 से गुणा करना है, यानी 1 का वर्ग करना है, उसको 2 में लिख देना है, 2 अंकों में पॉइंट लगा दिया, और एक और एक देखो मैं लिखता हूँ 2% लिखता हूँ, 2 × 4.04, 2 × 2 = 4, 3 लिखता हूँ, 3 × 3 = 9, तो 9 को लिखना है 0.09, 3 × 3 = 6, 4%, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 8, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से लिख रहा हूँ मैं इन सबको डायरेक्टली, 5% पे 5 × 25 = 25, 5 × 5 = 10, यानी कि 6% के लिए 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 12, पॉइंट के बाद तो क्या कर देना है गुणा कर देना है, पॉइंट से पहले क्या कर देना है जोड़ देना है, पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट लिखने हैं 2, अगर सिंगल डिजिट है तो क्या लगा दो 0, और 2 से ज्यादा डिजिट है तो मेरे भाई साहब क्या कर दो 1 ले लेना, कैरी हासिल ले लेंगे, अभी आएगा देखो 7 × 7 = 14 = 14.49, 8 × 8 = 16 = 16.64, 9 × 9 = 18 = 18.81, 10 × 10 = 20, और 10 × 10 = 100, पॉइंट के बाद 3 तो छोड़ने ही नहीं है, इसको इधर ले आओ, 20 × 21, 11 × 11 = 22, 11 × 11 कितने हो जाएंगे 121, 22 × 1 = 23.21, 12 × 12 = 24, 12 × 1 = 44, इसको इधर ले आओ 25.44, यानी कि जब आपके पास क्वेश्चन में 2 वर्ष का पूछा जाए और आपके पास दर ऐसी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्राकृतिक नेचुरल नंबर होते हैं, आपको ये तरीका बहुत आसान है, करने क्या होता है पॉइंट के बाद तो क्या हो गया उन दोनों को गुणा कर दो, पॉइंट के बाद दोनों को जोड़ दो, अगर पॉइंट के बाद 1 ही है तो 0 लगा दो, 3 है तो क्या ही ले लो, और मेरे भाई ये सब ब्याज आ रहा है कितने रुपए पे 100 रुपए पे, कितने साल का 2 साल का। अब देखो इस क्वेश्चन को करता हूँ, एक बार अप्रोच समझ में आ जाएंगे ना तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत जल्दी, ये बहुत आसान है। कैसे देखो अब इस क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, कितना रुपए दे रखा है मूलधन भाई ने 20,000, कितना दे रखा है मूलधन 20,000, हम मूलधन कितना मान के चलेंगे 100, क्योंकि हमको दिख रहा है भाई 8%, 8 9 10 11 12 13 2 5 7 3 प्राकृतिक संख्या है, 2 साल है भाई साहब, मूलधन हमने माना 100, 100 का मान कितना दिया हुआ है भाई ने 20,000, 100 का मान कितना दिया हुआ है 20,000, 1 का निकाल सकते हो, 1 का निकाल दोगे कितना जाएगा 200, अरे 100 का मान कितना दे रखा है 20,000, 1 का मान कितना 200, अब कितने का निकालना है मेरे भाई 8, तो 8 × 8 = 16, 16.64, इसी का तो निकालना है, अरे 8 × 8 = 16, 8 × 8 = 64, भाई जब यार 1 का 200 है तो इसका कितना होगा 1 के मान से गुणा कर देते हैं, आपने क्या कर दिया गुणा कर दिया, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे कितनी आई 20, दोनों खत्म, उसको उससे गुणा किया कितना आया 33 28, कितना आया 33 28,
मेरे भाई 100 का मान कितना दिया गया है? अरे 20,000। 1 का मान कितना? 200। 16.64 का मान 200 से गुणा किया कितना आ गया? 33.28। अब तुम चाहे कितने ही सवाल कर लो, जहां दर ऐसी हो, लिमिटेशंस बता रहा हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी हो। जैसे कि क्वेश्चन हमको मिला कि यार ये तो 30,000 रुपये क्या है, मूल है, और दर ना मेरे भाई 15% है, और समय ना 2 वर्ष। किसी को मुश्किल कर देनी हो और 13% कर दे, कहते भाई मैं तो पुनः भाग चाहता हूँ, मेरे भाई मजबूत से मजबूत है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है यार, 100 रुपये का मान भाई ने दिया कितना है? 30,000। 1 का मान कितना हो गया? 300। ये तो खत्म हो गया। अब 13 का मतलब 13, 13, 13, 26 और 13, 13, 169, इसको इसमें जोड़ दूं 27.69, तो 27.69 का मान निकालना है, तो 27.69 को गुणा कर दो किससे? 300 से, ये 20 नीचे खत्म, 3 से गुणा कर लो इसको, 9 3 27, 6 3 18 और 2 20 हासिल आई 27 के 81 और 2 83। दिस योर आंसर, बहुत आसान है। ठीक है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई अगर आपको 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% ऐसी दर मिले तो 2 वर्ष में ब्याज निकालना कतई आसान है। मैं एक और सवाल कर देता हूँ, फिर मैं बातचीत को चेंज करता हूँ। ठीक है भाई, जैसे कि मूल दर, अरे साहब 50,000 दर, मुश्किल दर 19% दर, चक्रवर्ती ब्याज में 19%, समय तो हम घबरा ही नहीं रहे मेरे भाई। पूछा भाई ने चक्रवर्ती ब्याज, पूछा क्या चक्रवर्ती ब्याज, अरे भाई 100 का मान कितना? 50,000। 1 का कितना? 500। सीधी सी बात है, जो उसका मान निकालना वो 500 से क्या होगा? गुणा होगा। किसका मान निकालना है? 19% का। 19 कितने? 38। 19 का वर्ग तो जानते ही हैं, 19 का वर्ग 361। तो भाई साहब इस 3 को यहाँ जोड़ दिया, 38 और 3 41, हमें निकालना है 41.61 का मान। मुझे पता है दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 से गुणा करते हैं, 5 6 5 30 हासिल पाई 3, 5 1 5 5 3 8, 4 5 20, 20,805। 20,805 इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया आंसर? तुरंत से आपने चक्रवर्ती ब्याज याद कर दिया उस तरीके में। आपको 119 बटे 100, और आपको अगर 119 बटे 119 डायरेक्टली स्क्वायर करना नहीं आता तो फिर फंसा हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये लिमिटेशन वाला, लिमिटेशन मतलब क्या है कि यार दर ऐसी होनी चाहिए मेरे भाई नेचुरल नंबर, क्योंकि दरें अभी और अलग तरीके भी आएंगी, जहाँ ये ट्रिक अपनी काम नहीं कर पाएगी, जहाँ ये कॉन्सेप्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली आपने अगर सोच लिया है कि हमें पढ़ाई करनी है, और वैसे कोविड की वजह से देखो प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिलेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट अपने बेस्ट पर होगी, और पता नहीं सरकारी नौकरियां की एग्ज़ाम्स भी कम हो कम नहीं हो, पर यह हम सबको प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा, कभी ना कभी मौका मिलेगा। और जब अचानक से अगर आपको पता चले कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो अभी टाइम है हमारे पास, हम आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हो सकता है हम बहुत बार एग्ज़ाम्स में फेल हुए हैं, लेकिन अगर हमने जाना है कि हमारी मंजिल यही है, तो शायद हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आपने जाना है कि एक जंगली जानवर चीता और एक हिरण, चीते की जो भागने की स्पीड है लगभग 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर, और हिरण की 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब भी चीता हिरण का पीछा करता है तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हिरण बच जाता है, क्योंकि हिरण उस समय अपनी 3 से 4 गुना गति अधिक कर लेता है। क्यों? क्योंकि चीता वहाँ भाग रहा होता है भोजन के लिए, हिरण उसके लिए भोजन है, और हिरण वहाँ भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। तो इसमें बहुत अंतर है कि आप क्यों भाग रहे हो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो। जब हमें पता है हमारा सर्वाइव, हमारी जान, हमारी ज़िंदगी, हमारा अस्तित्व सब कुछ इसी पर टिका हुआ है, तो हमको हमारी गति 3 से 4 गुना कर देनी चाहिए।
ठीक है। तो इस बात को समझते हुए हम दूसरी बात समझते हैं कि अगर ये दरें इस प्रकार ना होती तो हम कैसे करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में अब दरें कैसे होंगी, अब उस दर को समझने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि यार ये फ्रैक्शंस आपको आने चाहिए। ये परसेंटेज में हम पढ़ते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इनकी बड़ी आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखो आप जानते हैं 1/2 मतलब 50% की भिन्न कितनी होगी 1/2, कुछ नहीं करना 100 से गुना करना है, 100 से गुना करोगे परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 1/3 × 100 आप जानते हैं 33/1/3% यानी कि 33.33%। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन में भिन्न मिले 33.33% तो आप जानोगे इसकी मुझे भिन्न बनानी पड़ेगी। अगर मेरे को ये परसेंटेज बनाया ना इसकी भिन्न कितनी होगी 1/3, 1/4 आप जानते हैं कितना होता है 25%, 1/ अरे गुणा करना है 100 से, कुछ नहीं करना, 100 में 5 का भाग दिया 20%, 1/6 ये इंपॉर्टेंट है 16/2/3%, 16.66%, 16.67% भी ये लिख सकता है। 1/7 14/2/7%, 14.28, 1/8 12.5, 12.5, 1/9 11.11, 11/1/9 आप लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लेना और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से बना के देखना। 1/2 × 100, 1/3 × 100, 1/4 × 100, 1/5 × 100 और ये आपके याद होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज टॉपिक में बहुत काम आते हैं। 1/10 10%, 1/11 9.09%, 9/1/11%, 1/12 8.33, 8, 1/15 6/2/3, और 2/3 जहाँ आ जाए वहाँ 6.67, 1/12 5% और ये 4%। परसेंटेज से बहुत काम आते हैं हमें, 100 से गुणा करके हम ला सकते हैं। तो भाई इन परसेंटेजेस पे अगर दर में ये परसेंटेज हमको मिल जाए तो हम इनको भिन्न बनाकर चलते हैं। अगर आपको मिले 11.11 तो क्या हो जाएगी 1/9, इसको आप ये भी कर सकते हैं 11.11 की जगह आप मिल सकती है 22.22, तो भाई 1/9 जगह कितनी जाएगी 2/9, 14/2/42/6/7, 3 गुना है 14 × 3 = 42, 2 × 3 = 6, तो जाएगी 3/7। ये परसेंटेज के अप्लीकेशन से जब आप परसेंटेज को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह जान जाएंगे, लेकिन उसका कुछ भाग जो यहाँ पर ब्याज में काम आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस वाली दर परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एक बार कि इस पर हम कैसे करते हैं। इससे हमारे यहाँ 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएंगे आज, फिर हम 3 वर्ष वाला अगली क्लास में करेंगे कि अगर आपको मूलधन दिया गया कि आपसे कहा गया मूलधन लगभग 3600 रुपये और आपको दर दे दी गई 16/2/3%, समय आपसे कहा गया 2 वर्ष और आपसे पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। देखो अब इसको हम पहले वाली ट्रिक से नहीं कर सकते कि यार 100 का मान कितना दिया है 3600, तो 1 का मान कितना 36, मेरे भाई अब तुमसे 16/2/3 आपस में गुणा नहीं होगा, वो वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात हमें सीखनी है कि इसकी भिन्न कितनी होगी 1/6, ये हमारा किसका काम करेगा मूलधन का, ये हमारा किसका काम करेगा ब्याज का। मूलधन एक साइड और एक साइड हमने लिखा मिश्रधन, अरे मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, 6 रुपये मूलधन तो ये कितना हो जाएगा 7, 1 जोड़ देंगे इसमें। भाई ये 1 वर्ष की कहानी है, अगर आपको 2 वर्ष की कहानी पर पहुंचना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 6 का कितना 36, 7 का कितना 49। चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 2 बार लिख दें, अगर समय 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिख दें, तो 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49। ये किसका काम करेगा मूलधन का काम करेगा, ये किसका काम करेगा मिश्रधन का काम करेगा, इनका डिफरेंस क्या बन जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। भाई 36 तो क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज और 49 क्या है आपका मिश्रधन, 36 तो आपका मूलधन है तो 13 आपका क्या बना चक्रवर्ती ब्याज।
अब देखो 36 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3600, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और आपको ज्ञात कितनी करनी है 13, तो 13 का मान कितना हो जाएगा 1300। तो जब भी आपको परसेंटेज इस फॉर्म में मिले तो आपको ये वाला भाग पाना है। इसमें करते क्या है, परसेंटेज को हमने भिन्न में चेंज किया, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, परसेंटेज मिली, परसेंटेज को आपने भिन्न बनाई, भिन्न में ऊपर अंश नीचे हर, ये वाला भाग क्या कहलाया, मूलधन, ये कहलाया ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन। क्योंकि समय 2 साल है तो इसे 2 बार लिख दिया, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ तो ये बात आपके ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमने लिखा कि भाई 19,200 और हमने यहाँ दर लिखी 12.5%, समय वही 2 वर्ष और हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको दिख रहा है 12.5% की भिन्न कितनी होती है, 1/8, मैंने जस्ट अभी बताई, 8 आपका क्या हो गया मूलधन और ये आपका क्या हो गया मिश्रण, कितना हो जाएगा 9, एक जोड़ देंगे तो, क्योंकि 2 वर्ष है तो 8, 8, 64 और 9, 9, 81 ब्याज कितना बन जाएगा 17। तो 64 का मान कितना दिया है आपको, 19,200, एक का मान तो 64 से काट दे 3 बार, 64 किया 112 में, तो 17 का मान निकाल देते हैं भाई, 17 का मान कितना हो जाएगा 51, 17 का मान कितना हो जाएगा 51। तो ये 2 वर्ष में जितने भी हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन थे हमने आज करे, जिससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 3 वर्ष के, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख पाएँ। थैंक यू।